ये दोहरा हमें दिखाई देता है। दोहरी शिक्षा नीति हमें स्कूली व्यवस्था से ही नजर आती है। सरकार खुद कहती है हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, वो खुद भी अपने सरकारी स्कूल को अच्छा बताने के बावजूद भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब कर दी, बस से बदतर हो गई है। वहाँ के प्रिंसिपल का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। कल रात को ही एक मेरिट आई है CU SET, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसका रिजल्ट आता है, बहुत हाई कट ऑफ आई है। उसी के विरोध में आज क्रांतिकारी युवा संगठन आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ आज ही नहीं, जून के महीने में भी लगातार एक माह के हड़ताल पे क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्यों ने यहाँ पे हड़ताल की थी कि CU SET एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लेके आ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। ये गरीब छात्र विरोधी नीति है जो कानून लाया गया है शिक्षा व्यवस्था में, और साफ साफ सरकारी स्कूल के बच्चों को पिछड़ा करने के लिए ये नीतियाँ लाई गई। देखो, आपत्ति दोनों में है, या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है या तो कट ऑफ भी है। हम पहले भी कट ऑफ का विरोध करता है क्योंकि लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं बढ़ाई जा रही है, कट ऑफ एकदम आसमान छू रही है। 99%, 100%, पूरा 100 में भी एक एक दिन में सीटें फुल हो जाती हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज, मिरांडा हाउस, दौलत राम कॉलेज, हंसराज हिंदू, अलग अलग कॉलेजों की बात की जाए, जो नामी कॉलेज कहा जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसमें 100% में सीटें फुल होती हैं। 96, 94, 90 तक सीटें कंप्लीट हो जाती है। बच्चे कुछ संस्कृत विभाग या हिंदी विभाग की बात की जाए उसमें 2-3% सरकारी स्कूल के बच्चों का नाम आता है, और पर जो हम मनपसंद कोर्स में भी दाखिला लेना चाहे नहीं ले पाते थे, उसका भी लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन ने विरोध किया है कि आसमान छूने वाली कट ऑफ है, वो भी छात्र विरोधी कट ऑफ है, वो भी गरीब छात्र विरोधी है, सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों के विरोध में निकाली जाती है। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप दाखिला दे रहे हैं, जो भी कट ऑफ है या नंबर है वो भी एक स्कूली व्यवस्था के आधार पर, उसके माहौल के आधार पर तय की जाती है कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्र जो हैं उनके किस वजह से नंबर अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो किस लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कौन से छात्र हैं या कौन से छात्र जिनके अच्छे नंबर आते हैं जो यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं। ये दोहरा हमें दिखाई देता है, दोहरी शिक्षा नीति हमें स्कूली व्यवस्था से ही नज़र आती है। बड़े बड़े पूंजीपति अमीर नेताओं के बच्चे, जो सरकार चलाने वाले बच्चे, सरकार खुद कहती है हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, वो खुद भी अपने सरकारी स्कूल को अच्छा बताने के बावजूद भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। ये हमारे स्कूल, हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई है कि हमारा ये मानना है कि यहाँ पे जो VC है इस यूनिवर्सिटी में, बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं जो, और यहाँ पे जो गार्ड है जो इस बिल्डिंग की रक्षा करते हैं, जो इस यूनिवर्सिटी को साफ सफाई करने का काम करते हैं, उनके बच्चे और VC के बच्चे या शिक्षा मंत्री के बच्चे या प्रधानमंत्री के बच्चे या चपरासी के मंत्री या किसी फैक्ट्री का बच्चा एक समान स्कूल में नहीं पढ़ने जाएगा ना, KG से PG तक, उनको तब तक समान शिक्षा हमारे देश में नहीं आएगी। देखिए, प्राइवेट स्कूल बंद किए जाएँ या सरकारी स्कूलों में सुधार किया जाए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मामला ये है कि प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब कर दी, बस से बदतर हो गई है। वहाँ के प्रिंसिपल का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता, पूरे जो हेड ऑफ स्कूल है ना उसका बच्चा नहीं पढ़ता है उसमें, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा कंपटीशन के लिए प्राइवेट स्कूल में टक्कर खा के अच्छी अंग्रेजी सीख लेगा, अच्छा नंबर ले आएगा, अच्छे चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए वो कंपटीशन में आगे बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, दुरुस्त हालत करने के बाद ही प्राइवेट स्कूलों की हालत अच्छी होते हुए भी वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारी क्रांतिकारी युवा संगठन की लगातार ये डिमांड है कि जब तक सरकारी स्कूलों के हालात नहीं सुधर जाते हैं, वही बात है, जब तक प्रधानमंत्री या चपरासी या VC या यहाँ के गार्ड का बच्चा एक समान स्कूल में एक ही व्यवस्था, चाहे वो प्राइवेट में हो सरकारी स्कूल के हालात नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक समान शिक्षा नहीं आएगी हमारे देश में। इसमें भी हमारे पास ये है कि जब तक नए कॉलेज नहीं बन रहे, पहली बात तो बहुत बहुत मतलब अचंभे की बात है कि हम 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपने देश को आज़ाद कहते हुए, लेकिन यहाँ के भारत में भी, पूरे देश भारत की अगर देश की बात की जाए, अलग अलग राज्यों में, हमारे गाँव की भी अगर बात की जाए, वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं। दिल्ली जैसे शहरों में भी अगर देखा जाए, ऐसे अलग अलग शहरों में 12वीं के बाद पता नहीं चलता कितनी लड़कियों की कब शादी हो जाती है, और ऐसे इलाकों में मजबूर होते हैं बच्चे नौकरी करने के लिए, क्योंकि घरों की हालात ऐसी नहीं होती कि पैसा देकर के कहीं प्राइवेट में पढ़ना, तो दूर या सरकारी में उनको दाखिला नहीं मिलता। इवनिंग में कॉलेज की मैं डिमांड बता रही हूँ कि इवनिंग कॉलेज खोले जाएँ, ताकि जितने भी बच्चे अभी रेगुलर में पढ़ रहे हैं, और अगर इवनिंग में कॉलेज खोले जाएंगे तो जितने रेगुलर में मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं उतने ही बच्चों को इवनिंग में भी दाखिला करने का मौका मिले,
मिलेगा, एडमिशन मिलेगा ताकि वो पढ़ पाए। और जब तक नए कॉलेज नहीं खोले जा रहे तब तक ये किया जाए, नहीं तो नए कॉलेजों का निर्माण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिर्फ दिल्ली में ही DU जैसे कॉलेज ना खोले जाए, बिहार में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, पंजाब में भी, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में ऐसे कॉलेज और JNU जैसे DU जैसे कॉलेजों का निर्माण किया जाए ताकि वहाँ के बच्चों को यहाँ पे आके ना पढ़ना पड़े, वहीं पे ऐसी अच्छे हालातों में पढ़ने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़े, उनके परिवारों को भी सुधार हो। और हमारे यहाँ पे मजबूरन जिस तरीके से 12वीं के बाद ओपन में ढकेल दिया जाता है और सस्ते दामों पे मजदूरों का निर्माण किया जाता है, सरकार इसी चीज़ को चाहती है और इसी चीज़ को तोड़ने का हम लगातार कोशिश करते हैं कि शिक्षा जब मिलेगी तभी कोई अपने परिवार और अपनी हालत को सुधार पाएगा। डूटा से नहीं मांगा है, हम लगातार अपने ही व्यक्ति मतलब अपने ही स्तर पे करें हैं। और डूटा के भी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो हम डूटा के समर्थन में साथ में भी जॉइंट प्रोटेस्ट में भी कई जगह गए हैं। कई बार ये भी होता है कि कुछ जो प्रोफेसर हैं जो डूटा के अंदर भी हैं उन वो खुद कहते हैं कि समान शिक्षा होनी चाहिए, खुद ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो ये कहने और करने में बहुत अंतर दिखता है। आप जो बात कह रहे हैं ये बात बहुत ज़रूरी बात है कि एक बड़ा आंदोलन करने की बहुत ज़रूरत है। मामला क्या है यहाँ पे कि डूटा की भी अगर बात की जाए, कई बार जो विचार है जैसे हम लोगों की जो मांग है, हम लोग कहते हैं कि इवनिंग कॉलेज खोला जाए, जब तक रेगुलर कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा तब तक इवनिंग कॉलेज खोला जाए और कट ऑफ और ये एंट्रेंस का जो ढकोसला है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन वहीं पर 20% डेप्रिवेशन पॉइंट की भी बात करते हैं सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए, जो सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको कॉलेजों में पहला हक होना चाहिए सरकारी कॉलेजों में कि उनको दाखिला मिले, नहीं तो वो कहीं विदेश में तो पढ़ने नहीं जाएंगे, यहीं देश में तो हमें मिल नहीं रहा है, विदेशों में तो पढ़ने का उनको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप डूटा की कह रहे हो, बड़े आंदोलन की बात कर रहे हो, लगातार ये कोशिश भी रही है कि हम लोग यहाँ पे सरकारी स्कूलों के छात्रों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने की कोशिश भी किया। यहाँ पे कुछ एक दो महीने पहले जून में भी हम लोगों ने कोशिश की थी, बहुत सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे भागीदारी दी थी क्योंकि उनको पता है कि हम ही अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग सरकारी स्कूलों के छात्रों ने यहाँ पे भागीदारी भी दी थी और प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए थे कि यहाँ पे 20% डेप्रिवेशन पॉइंट दिया जाए, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा भी हुए थे ताकि, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन लेके इकट्ठा हों और जो हमारी लंबी लड़ाई है समान शिक्षा की उस तक हम पहुँच पाए। हमारे देश में ये त्रासदी है कि PhD तक तो बड़ी मुश्किल से पहुंच गए हैं, जो PhD पहुंचने वालों को भी एक तो नौकरी नहीं मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो कम से कम 20-20 साल तक उनका कोई परमानेंट नहीं है। कि UP में जब चपरासी की जॉब के लिए फॉर्म निकलते हैं, पद निकलते हैं, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 5वीं पास होना चाहिए और आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, इतना मांगा जाता है। लेकिन वहाँ पे आप त्रासदी देखिए देश की कि PhD किए हुए कैंडिडेट्स भी अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग हैं, सरकार जॉब नहीं देना चाह रही है, यहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, धक्के खा रहे हैं, जॉब नहीं देना चाह रही है, किस लिए? क्योंकि उनके पास संस्थान नहीं है, में ही काम कर रहे हैं वो भी, प्रदर्शन करते हैं बड़ी बड़ी, हम लोग भी शामिल होते हैं, पहले तो वो कॉलेजेस खोले ना, सीट्स बढ़ाए, कॉलेजेस खोले, तो उनको देखिए सर, सिंपल बात है, कॉलेजेस खुलेंगे ना, नए कॉलेजेस खुलेंगे, सीट्स बढ़ेगी तो बच्चों को भी पढ़ाई मिलेगी और जो PhD के हुए कैंडिडेट्स खाली बाहर घूम रहे हैं उनको अपने आप जॉब्स मिल जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो PhD करके पढ़ रहे हैं, जिनको 5 साल का पूरा मौका मिलता है रिसर्च करने का, जाहिर सी बात है कोई 5 साल में बिल्कुल भी नहीं कुछ करेगा तब भी कुछ तो सीखेगा, ऐसा तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। जो सुपरवाइज़र होता है उसके अंडर में काम करना पड़ता है, कई रिसर्च करने पड़ते हैं, कई सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देनी पड़ती है, तब जाके हमारी 5 साल के बाद हमारी जो थीसिस है वो तैयार होती है रिसर्च की, यानी कि वो तैयार हो गया है, PhD के काबिल हो गया है, वो पढ़ाने के लायक है, उन लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। सीधी सीधी बात है, नहीं देना चाहती है नौकरी, नहीं पढ़ाना चाहती है सरकार। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री और या शिक्षा मंत्रालय की भी बात की जाए, चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें, विश्वविद्यालय, कॉलेज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कॉलेज भी खुलता है, पहली बात तो कॉलेज का निर्माण होगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, गार्ड को भी नौकरी मिलेगी, सफाई कर्मचारी को भी नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय चल तो कई सालों से, यहाँ पर किसी की पक्की नौकरी नहीं है,
यहाँ पे गिने चुने पक्के प्रोफेसर हैं जो कि पक्की नौकरी में, बाकी अडॉक में है, कच्ची नौकरी में है, जो लगातार लंबे समय से यहाँ पे अदिति महाविद्यालय के प्रोफेसर ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी प्रोटेस्ट किया कि हमें पक्की नौकरी दी जाए, नहीं मिलती है। केवाईएस लगातार प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है, परमानेंट जॉब के लिए हुआ है, बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग आंदोलन में, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, जंतर हमारा 2018 में फरवरी 19 और फरवरी 18 को बहुत लंबा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर कम से कम 5 से 7 हज़ार वहां पे लोग शामिल हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि डूटा के जो कुछ शिक्षक हैं जो केवाईएस का समर्थन नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं, हम लोग भी समर्थन में जाते हैं, ऐसा नहीं है। और बड़े पहले लंबी रैली निकली थी शिक्षा बचाओ को लेकर, उसमें भी शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों ही शामिल थे, डूटा भी था, स्टूडेंट्स यूनियंस ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थे उसमें। हर बार जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो डूटा के हों या फिर एडहॉक टीचर्स के फेवर के लिए हों या परमानेंट जॉब्स के लिए हों, हम लोग उसमें शामिल रहे हैं और वो लोग भी हमारे प्रदर्शन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल रहे हैं और हमें टाइम टू टाइम हर टाइम सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे पहुँच जाएं। कौन नहीं चाहता, कौन अलग अलग, आप कौन सा कह रहे हो, कौन सा संगठन, अलग अलग संगठनों के अलग अलग है। यहाँ पे कोई कहेगा कि हॉस्टल का निर्माण किया जाए, हमारा मानना है हॉस्टल किस लिए बनता है, बाहर से आने वाले बच्चों का, दिल्ली वाले बच्चों को किसी को हॉस्टल नहीं मिलता, बाहर से क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनके इलाकों में कॉलेज नहीं है, JNU जैसे संस्थान नहीं है, DU जैसे संस्थान नहीं है। प्राथमिकता तो ये है कि उनके वहाँ पे भी अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएगी तो उनको हॉस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस जगह हॉस्टल बन रहा है उस जगह कॉलेज भी तो बन सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में वहाँ पे सीट बढ़ के पढ़ भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का अंतर पड़ जाता है, समान शिक्षा का नारा देना और उस पर विचारधारा पर अमल करना, उस चीज़ को कहना और करने में बहुत अंतर होता है। इन्हीं चीज़ों के अंतर से KYS की डिमांडें अलग होती है। इवनिंग कॉलेज का भी निर्माण करना, कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो 20% डेप्रिवेशन पॉइंट कहता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को देना चाहिए। हमारा कहना इसलिए क्योंकि जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे हैं, पहला हक उनका बनता है उच्च शिक्षा में, जो सरकारी संस्थान है उनमें उनको दाखिला होना चाहिए। कोई संस्थान नहीं कहता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता है, सिर्फ KYS कहता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन तो अंतर पड़ता है, एसएल स्टूडेंट्स के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई है। एसएल वोट लेते हैं ना अलग अलग, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वोट लेते हैं, उनको लगता है रेगुलर कॉलेज में, पहली बात तो रेगुलर कॉलेज में सरकारी स्कूलों की ज़्यादा संख्या नहीं है। आंकड़ा भी उठाया जाए तो 2 से 3% जैसे तैसे पहुंच पाते थे कट ऑफ के माध्यम से, हम तो CU से ET आ गया है तो पता नहीं कैसे सरकारी स्कूल के बच्चे उनको पार कर पाएंगे। बहुत कठिन दीवार खड़े कर दी, उसको पार करना बहुत मुश्किल है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। दूसरी बात, जो सरकारी कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं, बहुत अगर दाखिले के लिए पहुँच भी गए तो फीस किसके पास है, जो 10,000 फीस भी देने वाले कई परिवारों में से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं दे पाते हैं 10 से 15। अब सरकारी कॉलेजों में भी ऐसी फ़ी बढ़ा दी गई है, IP कॉलेज में ₹1,00,000 की फ़ीस है एक कोर्स की, जिसमें कि 1 साल की 1,00,000 है, 1,00,000 कौन दे पाएगा, किसी की इनकम होगी तब तो। तो यानी कि ज़्यादातर अमीर परिवार के बच्चे ही पहुंच पा रहे हैं, पूंजीपति के बच्चे, नेताओं के बच्चे पहुंच पा रहे हैं, उन्हीं के लिए कुछ और सुविधाओं के लिए आंदोलन के लिए लोग लड़ते हैं, करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग हॉस्टल बनाने का निर्माण की जो लड़ाई लड़ती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसमें भी अगर हॉस्टलों का जो निर्माण हो रहा है वो दूसरे बच्चे यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनके अगर इलाकों में कॉलेज होंगे बिहार में या पूरे भारत की बात की जाए तो वो हॉस्टल की जगह कॉलेज बन सकता है और उनके यहाँ पे भी कॉलेज बन सकता है कि उनको दूसरे राज्यों में आके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे कॉलेजों की बात कर रही हूँ, जो JNU DU जैसी बात कर रही हूँ, ऐसे कॉलेज तो वो छोड़ के आ गएंगे, छोटू राम होगा, कभी राम प्यारी कॉलेज होगा, उन कॉलेजों की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छे कॉलेज जिससे पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ BA की डिग्री ली है, अगर उन कॉलेजों का हर राज्य में निर्माण होगा तो हॉस्टलों की जगह कॉलेज बन सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके के हॉस्टलों के कॉलेजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सीधी सी बात है उसके लिए वोट लेने की बात में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो वोट लेने के लिए ही वो SOL में नहीं जाते, क्योंकि SOL के 5,00,000 बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं है। DU के ही अंदर, DU का ही एक संख्या है, DU की एक शाखा है जिसमें SOL ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, सीधी सी बात है वोट नहीं मिलता। वहाँ पे कितनी दुरुस्त हालत है कि वहाँ पे उनको पेपर के 2 दिन पहले तक किताबें नहीं मिलती हैं, पेपर के 2 दिन तक पहले तक एडमिशन पता ही नहीं चलता कौन सी जगह सेंटर है, कौन सी जगह एग्ज़ाम देना है, पेपर के कुछ दिन पहले तक उनको पता ही नहीं कि कितनी क्लास होने वाली है,
सिलेबस नहीं पता। SOL की मैं बात कर रही हूँ, DU में ही नॉर्थ कैंपस में है। जब बच्चे अपनी मांग SOL में जब बच्चे अपनी मांग लेकर प्रिंसिपल तक आते हैं, प्रिंसिपल के पास आते हैं, तो प्रिंसिपल के गूंस उन पे हमला करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब इवन देन इतनी बुरी तरीके से अटैक करते हैं उन बच्चों पर कि एक लड़की एक फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ने वाले एक छात्र का हाथ तक फ्रैक्चर हो जाता है जस्ट पेपर से एक या दो हफ्ते एक या डेढ़ महीना पहले। अब ये बताइए अगर ऐसी हालत में जब वो लोग हमारी आवाज़ नहीं बन रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वोट्स के चक्कर में सिर्फ रेगुलर कॉलेजेस के बीच अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो क्या 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 हम उनका साथ दें, कैसे हम उनका साथ दें।